हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त खुशहाल और आज आपको बताऊंगा फार्मट्रैक 60 के मीटर के बारे में। डैशबोर्ड जो होता है ना, डैशबोर्ड के बारे में मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो होता है ना, ये डीजल मीटर होता है। इसमें टैंक में डीजल कितना है ये दर्शाता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये आरपीएम मीटर है। आरपीएम बोले तो रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में घूमने वाले फेरे, ये मीटर में दिखाए जाते हैं। उसके बाद में ये हावर मीटर, दिन भर में जो भी ट्रैक्टर चलता है वो ये डैशबोर्ड पे दिखाया जाता है, मतलब हावर मीटर बोलते हैं। इस पे दिन में जितना भी ट्रैक्टर चला है उसके हावर ये यहाँ पे बताता है। उसके बाद में ये है टेम्परेचर मीटर, अगर आपका ट्रैक्टर गर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है ये सारा ये मीटर दर्शाता है। अगर ये कांटा अपना ऊपर उठ रहा है, रेड में जा रहा है, तो ये समझ लो कि अपना ट्रैक्टर गर्म आ रहा है। उसके बाद में है ऑयल प्रेशर मीटर। ऑयल प्रेशर मीटर का काम होता है ट्रैक्टर में ऑयल सर्कुलेशन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑयल प्रेशर मीटर दर्शाता है। उसके बाद में ये जो है, ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बैटरी का सिंबल। ट्रैक्टर का स्विच ऑफ रहने के बाद में यहाँ पे लाइट दिखने को होना, और ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद में ये लाइट बंद होने को होना। बंद होने का कारण इसलिए कि आपके ट्रैक्टर की जो भी बैटरी है वो अच्छे से चार्ज हो रही है, ये दर्शाता है। अगर ये बंद नहीं होता है तो आपकी ट्रैक्टर की जो है बैटरी वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रही है। इसमें जो भी इंडिकेटर्स दिखाए हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो जो चीज़ें हैं ना, एक बैटरी का लाइट और दूसरा ये ऑयल प्रेशर मीटर, ये दोनों चीज़ें ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद में बंद होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।